हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्रेजी, दैट इज कॉन्सेप्ट रिवीजन एनी टाइम एनीवेयर फॉर जेई मेंस, जेई एडवांस्ड एंड अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स। तो आप देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी हमको ड्राइव पे मिला है। अगर आप भी चाहते हैं आपके क्वेश्चन का भी ऐसे वीडियो सॉल्यूशन मिले, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो ड्राइव लिंक है उस पर अपने क्वेश्चन की फोटो खींच के अपलोड कर दे, आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। साथ ही साथ जो अपना डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है वो भी ज्वाइन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी नए वीडियोज डलेंगे आपके क्वेश्चन से रिलेटेड तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए, आपको क्या दिया है, दो मिक्सर है, ए और बी दो गैसेस है, उनका मिक्सर है जिसका मोल रेशियो है 2:3 और एक 2 लीटर के वेसल के अंदर ये सब है। दूसरा है जिसमें भी ए और बी है, 3:5 मोल रेशियो में 3 लीटर के वेसल में, ठीक है, दोनों का प्रेशर और टेम्परेचर सेम है। उसके बाद इन दोनों को मिक्स करके एक अलग से जो है वेसल बनाई 5 लीटर की, जिसका भी फाइनल टेम्परेचर टोटल प्रेशर इनिशियल वैल्यू के जितना ही है। मोलर मास एम ए और एम बी है, तो आपको फाइनल मिक्सर का मीन मोलर मास बताना है। आप मान लीजिए अगर एक मिक्सर में N1 मोल्स है, N2 मोल्स है, इसका मोलर मास एम ए और इसका मोलर मास एम बी है, तो इनका जो मीन मोलर मास होता है, इनका जो मीन मोलर मास होता है वो उसका एक फॉर्मूला होता है, इसी बेसिस पे हम काम करेंगे, जो होता है N1 MA प्लस N2 MB अपॉन N1 प्लस N2, राइट, N1 MA प्लस N2 MB अपॉन N1 प्लस N2। अब आप देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया है ये किस कुछ ऐसे ही दिया हुआ है कि आपके पास एक वेसल है A, जिसके अंदर एक NA और NB दो गैसेज हैं, इसका वॉल्यूम है 2 लीटर, कुछ प्रेशर पी और कुछ टेम्परेचर टी, और आपको एक रिलेशन दिया हुआ है कि मोल का रेशियो जो है वो 2:3 है, मतलब एन ए अपॉन एन बी जो है वो 2:3 है। एक दूसरा वेसल है जो कि 3 लीटर का है, विथ सेम प्रेशर, विथ सेम टेम्परेचर, विथ मान लीजिए मोल्स हैं एन ए प्राइम और एन बी प्राइम, और दिया है एन ए प्राइम अपॉन एन बी प्राइम जो है वो 3:5 है। इसमें इक्वेशन लगाएं, PV इज इक्वल्स टू NRT, प्रेशर P, वॉल्यूम 2 इज इक्वल्स टू NA प्लस NB टाइम्स RT, राइट। तो यहां से प्रेशर आ जाएगा NA प्लस NB, NA प्लस NB बाय 2 RT। इसमें भी आप इक्वेशन लगाएं, PV इज इक्वल्स टू NRT, इसका प्रेशर P, वॉल्यूम 3, मोल्स टोटल NA प्राइम प्लस NB प्राइम टाइम्स RT। तो यहां से प्रेशर आ जाएगा एन ए प्राइम प्लस एन बी प्राइम बाय 3 RT। अब बोला है कि दोनों का प्रेशर इक्वल है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रेशर इक्वेट कर दो। दोनों का प्रेशर आप इक्वेट करोगे तो आरटी से तो आरटी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा एन ए प्लस एन बी बाय 2 इज इक्वल्स टू एन ए प्राइम प्लस एन बी प्राइम बाय 3, राइट, ये बच जाएगा। आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3 NA प्लस 3 NB इज इक्वल्स टू 2 NA प्राइम प्लस 2 NB प्राइम, राइट। अब आपको जो है NA को NA प्राइम की टर्म्स में करना है और NB को NB प्राइम की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। ये क्यों? क्योंकि हम आगे सॉल्व करेंगे तो आपको ये समझ में आएगी कि ये रिक्वायरमेंट क्यों, और ये कैसे समझ आएगा, ये प्रैक्टिस से समझ आएगा कि ऐसा क्यों करना है, ठीक है। अब जो NA बाय NB है वो आपको 2:3 गिवन है, तो आप NA को लिख दो 2:3 टाइम्स NB। सिमिलरली आपको जो NA प्राइम बाय NB प्राइम दिया है वो 3:5 दिया है, ठीक है, एक बार चेक कर लें, तो हाँ 3:5 ही था, 3:5, ठीक है। तो आप यहां से NA प्राइम को लिख दीजिए 3:5 NB प्राइम, और यहां से सिमिलरली NB किसके बराबर आ जाएगा 3:2 NA, और NB प्राइम किसके बराबर आ जाएगा 5:3 NA, ठीक है। अब जो इक्वेशन दी थी वो दी थी 3 NA प्लस 3 जो बनी थी इज इक्वल्स टू 2 NA प्राइम प्लस 2 NB प्राइम, राइट, ये इक्वेशन बनी थी, ये रही। अब इसमें आप NA की जगह रख दीजिए 2:3 NB, तो 3 टाइम्स 2:3 NB प्लस 3 NB इज इक्वल्स टू NA प्राइम की जगह रख दीजिए 3:5 NB प्राइम, 3:5 NB प्राइम प्लस 2 NB प्राइम। यहां से आप ये 3 से 3 कैंसिल करेंगे, 3 NB प्लस 2 NB, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स NB इज इक्वल्स टू 10 16 NB प्राइम बाय 5, तो 25 NB इज इक्वल्स टू 16 NB प्राइम। एक रिलेशन तो आपके पास यहां से निकल के आ जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो इक्वेशन थी, ये थी 3 NA प्लस 3 NB इज इक्वल्स टू 2 NA प्राइम प्लस 2 NB प्राइम, ठीक है।
अब आप इसमें जो है एन एन बी को रिप्लेस कर दीजिए 3/2 एन ए से, क्योंकि एन ए और एन ए प्राइम में रिलेशन चाहिए, तो 3 NA + 3 × 3/2 NA, राइट। दिस मस्ट बी इक्वल टू 2 × NA′ + 2 × NB′ की जगह आप रख दीजिए 5/3 NA, राइट। तो ये हो जाएगा 3×3 = 9 और 6, 15/2 NA मस्ट बी इक्वल्स टू 10 और 6, 16/3 NA′। तो यहां से आ जाएगा 45 NA इज इक्वल्स टू 32 NA′। 32 तो NA प्राइम आ जाएगा 45/32 NA, यहां से NA प्राइम आ जाएगा। अगर आपके पास NA प्राइम आ जाएगा तो NB जो NB प्राइम हो जाएगा 5/3 NA, तो यहां से जो है NA प्राइम आपके पास आ जाएगा, NA प्राइम किसके बराबर है 5/3 NB′। ओके, और NA और ये NA और NA प्राइम में हमने एक रिलेशन डिराइव कर लिया। अब मैं सोच रहा हूं कि NB प्राइम को लिख दूं 5/3 NA, या रहने देता हूं, अभी जरूरत नहीं है उसकी, तो अब जैसे क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे मैं रिलेशन निकालता जाऊंगा। अब मान लीजिए कि एक और फाइनल जो टोटल मोल्स का मिक्सचर बनाया, जो टोटल एक बनाया फाइनल मिक्सचर जिसका वॉल्यूम था 5 लीटर, प्रेशर पी और टेम्परेचर टी, मान लीजिए इसमें मोल्स हो गए Na+ Na′ और Nb+ Nb′, ठीक है, ये टोटल मोल्स हो गए इसके अंदर। तो टोटल जो अब अपन वो फॉर्मूला लगा देंगे जो अपन ने स्टार्टिंग में सीखा था, मीन मोलर मास N1 Ma+ N2 Mb/N1+N2, राइट। तो इसका जो मीन मोलर मास हो जाएगा, यहां से मीन मोलर मास को मैं mm लिख रहा हूं, वो कितना हो जाएगा Na+ Na′ इनटू इसका मास कितना है Ma, क्योंकि Na के टोटल मोल्स ये हैं और Nb के टोटल मोल्स हैं Nb+ Nb′, और इसका मोलर मास हो गया Mb/Na+Na′+Nb+Nb′। ओके, नाउ Na मैं आप सबको Na की टर्म्स में कर लूंगा, किसी भी एक वेरिएबल के टर्म्स में। तो Na प्राइम मेरे पास कितना है 45/32 NA, 45/32 NA, राइट, प्लस Nb, और Nb प्राइम मेरे पास किसके बराबर है, Nb प्राइम अब आप देखिए यहां से मेरे को रिलेशन की जरूरत पड़ी, तो Nb प्राइम को मैं लिख दूंगा 25/16 Nb, इसको मैं यहां से लिख दूंगा Nb को 25/16 Nb × Mb, और यहां पे जो था इसका जो मास था Ma वो मल्टीप्लाइड में था, Na+Na′ इज 45/32 Na+Nb+25/16 Nb, ठीक है। अब Nb को आप जो फर्स्ट रिलेशन था Nb को आप लिख दीजिए 3/2 NA, इस रिलेशन से आप लिख दीजिए Nb को 3/2 NA, राइट। तो यहां से जो हम एक रिलेशन जो हमने पहले निकाला था Nb = 3/2 NA, क्योंकि Na/Nb 2:3 आपको गिवन था, तो इसको जब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, तो सब आप देखना सब कुछ Na में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर नीचे से Na कैंसिल और सिर्फ Ma और तो रेशियो में आंसर बचेगा जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है, जो ऑप्शंस में दिया हुआ है। तो इसमें आप 32 LCM ले लेंगे, तो 32 LCM लेने के बाद ये हो जाएगा 77/32 MA, ठीक है, प्लस NB, आप इसमें से NB को रख दीजिए 3/2, इसमें से आप NB कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 3/2 NA मल्टीप्लाइड बाय 1+25/16, दैट इज 41/16 MB भार जो मल्टीप्लाई में था, राइट, अपॉन टोटल हो जाएगा 40, ये हो जाएगा, इन दोनों को आप ऐड कर देंगे जो ऊपर है 77/32 MA प्लस NB को आप लिख देंगे 3/2 NA × 41/16, ये मैंने क्या किया NB को कॉमन लिया और NB की वैल्यू रख दी 3/2 NA, फिर अंदर बचेगा 1+25/16 वो हो गया 41/16, ओके, नो डाउट्स, नो इश्यूज, रिजॉल्व। ये हो जाएगा 77/32 MA प्लस 123/32 77/32 MA × NA, राइट, 77/32 MA × NA, MA × NA, तो ये हो जाएगा 77/32 MA × NA प्लस 123/32 MB × NA,
अपॉन 77 अपॉन 32 NA प्लस 123 अपॉन 32 NA। ये 77 अपॉन 32 NA था, आई एम रिटन, ये N ही है ना, ये M लग रहा होगा बट ये N ही है। अब आप देखें NA 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 कैंसिल हो गया और 32 ऊपर से LCM आके 32 32 32 भी सब जगह से कैंसिल हो गया, तो ऊपर बच गया 77 MA प्लस 123 MB अपॉन 77 प्लस 123। तो ये हो गया आपका, यहां से आप एक काम कीजिए, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, शायद नीचे 200 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 77 MA प्लस 123 MB अपॉन 200। तो आप ये देख लीजिए कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 77 MA और 123 MB, और डिनोमिनेटर में रहना चाहिए 200। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन बन रहा है, 77 MA 123 MB 200 ऑप्शन बी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।